नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बीसीसीएल एरिया 12 लायक डी कार्यालय में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को जेएमएम प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रबंधन की घंटों वार्ता हुई। मौके पर मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू ने बताया कि प्रबंधन के समक्ष 5 सूत्रीय मांग रखा गया है, जिसमें आउटसोर्सिंग कंपनी हनुमंता में विस्थापित स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार 75% देने की बात रखी गई। वहीं पलासिया में पानी की समस्या को भी प्रबंधन के समक्ष रखा गया। जिलाध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी की रंगदारी नहीं चलेगी, स्थानीय बेरोजगारों को 75% नियोजन देना होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नजरअंदाज करने वाले कंपनियों का दाना पानी छीन लिया जाएगा। देखिये, 5 सूत्रीय मांग को लेकर के हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने एक मांग पत्र दिया था और उसी का यहाँ पर वार्ता हुई एजेंट साहब के साथ, और संभवतः तमाम मुद्दों को लेकर के जो 5 सूत्री थे, 5 सूत्री मुख्य मांगे क्या क्या थे? मुख्य मांगे थे कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो जमीन दिए हैं, जिनकी जमीन गई है, जो पैप के तहत आते हैं, उनको 100% लिया जाए और स्थानीयों को 75% लिया जाए। इसको लेकर के बहुत जल्द एजेंट साहब ने आश्वस्त किया है कि हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी जो हनुमंत है यहाँ पे, उनके साथ आप लोगों की वार्ता कराई जाएगी। उसके बाद और जो विकास की बात है, चाहे वो पानी का पलसिया की बात हो या जो अग्नि प्रभावित सड़क है उसकी बात हो, और स्वास्थ्य के साथ साथ इस क्षेत्र में शिक्षा की भी जो भी बातें हैं, जो यहाँ के सियासर के तहत होना है, विशेषज्ञ ने कहा है कि हम सियासर के तहत यहाँ तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। झारखंड सरकार के आदेश अनुसार 75% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना है और वहीं प्रबंधन से वार्ता हो, प्रबंधन ने 20% बताया, इसको लेकर कैसे संशोधन होगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब यहाँ बीसीएल में इन लोगों का कहना कि अभी तक हम लोग के पास आया नहीं है, बहुत जल्द इनके पास भी आ ही जाएगा। और हर हाल में हर कंपनियों को यहाँ 75% यहाँ के युवाओं को रोजगार देना होगा, खास करके जो जिनकी जमीन गई है उनको तो 100% देना होगा, और आसपास के जितने लोग हैं उनको 75% लेना ही होगा। अगर जो कंपनियां इस पर नेगलेंसी करती है तो निश्चित रूप से एक कानून बना हुआ है, उसके तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां भी है, वो लोग यहाँ पर अपना रंगदारी जो दिखाने का काम कर रहा है, और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत पैनी नज़र रख रही है इन लोगों पर, यहाँ पर केवल और केवल यहाँ के स्थानीय युवाओं को शोषण करने का काम कर रही है। यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियों का रंगदारी नहीं चलने दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनी जितने भी हैं वो संभल जाए, सुधर जाए, अन्यथा निश्चित रूप से उनका जो यहाँ पर दाना पानी चल रहा है उनको भी हम लोग बंद करने का काम करें।